इस कहानी को देखकर आपको पुराने जमाने की हॉरर मूवी वीराना की याद जरूर आएगी। आखिर इतना हसीन भूत कोई कैसे भूल सकता है। आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसी ही लड़की की कहानी देखने वाले हैं, जो खुद जिंदा रहने के लिए लोगों को मदहोश करके पहले उन्हें बुलाती है, फिर उनका शिकार करती है। लेकिन इसके पीछे एक राज छुपा है, जिसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। कहानी की शुरुआत में हम नीडी को देखते हैं, जो हमें एक पागल खाने में नजर आती है। वो बहुत गुस्सैल नजर आती है। जब वहाँ नर्स उसका चेकअप करने आती है तो एक ही लात में वो उसे हवा में उड़ा देती है और बड़ी मुश्किल से गार्ड्स उस पर काबू पाते हैं और उसे एक कोठरी में बंद करके एक ऐसा म्यूजिक बजाते हैं जिससे वो जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। यहाँ एक खूबसूरत शहर को दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था, लेकिन उसका सारा पानी एक छोटे से गड्ढे में समा जाता है और उसके बाद उस पानी का क्या होता है वो आज भी एक राज है। अगले सीन में हम नीडी के कॉलेज का सीन देखते हैं, जहां जेनिफर नाम की खूबसूरत से दिखने वाली लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उन दोनों का नेचर ठीक उल्टा था। नीडी काफी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन जेनी की अदाओं पर तो पूरा कॉलेज फिदा था। नीडी का लप्पू सा दिखने वाला एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम रॉकी था, लेकिन नीडी रॉकी से ज्यादा जेनी के साथ रहा करती है और उसकी सारी बातें आंख बंद करके मान लेती है। एक शाम वो दोनों क्लब में जाने का प्लान बनाते हैं और रॉकी को अकेला छोड़कर वो उसके साथ क्लब में पहुंच जाती है। वहां जेनी नए लोगों से मिलने लगती है और उसकी मुलाकात वहां निकोला से होती है, जो दिखने में काफी हैंडसम था और पूरे शहर में काफी फेमस था। इस वजह से जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जेनी बार काउंटर की ओर जाती है, वो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगता है और उसकी ये सारी बकवास नीडी सुन रही थी। अब नीडी फौरन ये बात आकर जेनी को बताती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है, मानो कोई उसके बारे में क्या कहता है इससे उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता हो। जब निकोला क्लब में परफॉर्म कर रहा था, तभी अचानक वहाँ आग लग जाती है और वहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है, जिससे कई लोग जख्मी होते हैं तो कई आग की चपेट में आ जाते हैं। नीडी अपनी बेस्टी जेनी को किसी तरह आग से बचाकर वहां से बाहर लाती है, लेकिन तभी वहां निकोला आता है, जो शराब के नशे में जेनी को अपने साथ चलने की सलाह देता है। ये सुनकर नीडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये ठीक नहीं है। वो उससे कहती है कि ये बुरा इंसान है, लेकिन इसके बाद भी जेनी उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। इतनी रात को एक अनजान के साथ जेनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। यहां नीडी उसके लिए परेशान हो रही थी। वो फौरन रॉकी को इस बारे में बताती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेनी के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही कॉल कट होती है, उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। जब वो घर में वापस आती है तो उसे वॉशरूम से पानी के टपकने की आवाज आती है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और पीछे मुड़ने पर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि खून से लथपथ जेनी उसके सामने खड़ी है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। और हद तो तब होती है जब नीडी के फ्रिज से वो कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। ये देखकर नीडी की सांसें रुक जाती हैं और जैसे ही वो रॉकी को कॉल करने वाली होती है, तभी जेनी उसे हक कर लेती है। और अब यही लग रहा था कि नीडी जेनी के हाथों मारी जाएगी, लेकिन तभी जेनी वहां से भाग जाती है। अगली सुबह नीडी कॉलेज में बैठकर कल रात हुए हादसे के बारे में सोच रही थी, तभी उसके सामने जेनी आती है, जो बिल्कुल सही सलामत थी। अब नीडी उससे कुछ बात करते उससे पहले ही प्रोफेसर वहां पहुंच जाते हैं और वो उन्हें कल रात क्लब में हुए हादसे के बारे में बताते हैं, लेकिन जेनी उनकी ये बातें सुनकर हंस रही थी, मानो उसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। नीडी को उसका ये रवैया बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसी हादसे में उनका एक क्लासमेट भी जलकर मर गया था, इसलिए उनका एक दोस्त जोनस जोर जोर से रो रहा था। क्लास खत्म होते ही जेनी इस बारे में रॉकी से बात करती है और कल रात जेनी ने जो हरकत की थी इस बारे में वो उसे बताती है। यहाँ हम जोनस को देखते हैं, जो अपने दोस्त के जाने के गम से अभी नहीं उबरा था, और जब वो फुटबॉल ग्राउंड में अकेला होता है, तभी जेनी उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त के बारे में सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे वो उसे बहलाने लगती है और उसके इरादों से अनजान जोनस उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जब वो वहाँ किस कर रहे होते हैं, तब जंगल के बहुत से जानवर उन्हें वहाँ आकर देखने लगते हैं। जोनस ये देखकर हैरान हो जाता है, वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था, लेकिन जेनी उसे अपनी अदाओं से बहलाने लगती है। तभी अचानक वो एक डेविल में तब्दील हो जाती है और जोनस का खेल खत्म कर देती है। ग्राउंड में वहाँ प्रोफेसर मौजूद थे, इसलिए उन्हें जोनस की चीखने की आवाज आती है, लेकिन जब तक वो वहाँ आते कुछ जानवर जोनस को खा रहे थे और बिना देरी किए वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब जोनस की मॉम अपने बेटे की ऐसी हालत देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ हम जेनी को देखते हैं, जो बड़े आराम से तालाब में नहा रही थी।
मानो उसने कुछ किया ही ना हो। तालाब से बाहर आकर वो अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां नीडी शहर में हो रहे एक के बाद एक कत्ल से परेशान थी, लेकिन जैनी बहुत खुश नजर आ रही थी और वो फोन पर नीडी से चिल होकर बात कर रही थी। तभी जैनी के अंदर एक डेविल लाइटर से अपनी जीभ जलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी नीडी के पास रॉकी का कॉल आता है और वो उसे अकेले मिलने बुलाता है। मिलकर वो उसे जोनस के साथ हुए कांड के बारे में भी बताता है। पूरे कॉलेज में जोनस के साथ हुए हादसे से डर का माहौल था और सभी बहुत दुखी थे, लेकिन जैनी को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो काफी इंजॉय कर रही थी। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहां प्रोफेसर उन्हें बताता है कि निकोला का बैंड अब काफी फेमस हो चुका है और तो और वो क्लब में मरने वालों की फैमिली को अपनी कमाई का एक अहम हिस्सा देने वाले हैं। ये सुनकर नीडी कहती है कि उस नोकीला ने वहां किसी की भी हेल्प नहीं की थी, वो बहुत बेकार बैंड है और उसके सारे मेंबर्स नशेड़ी हैं। ये सुनकर एक लड़की निकोला की साइड लेकर नीडी से डिबेट करने लगती है और उनमें काफी बहस भी हो जाती है। क्लास के बाद हम कॉलिन को देखते हैं, जो जैनी को डेट के लिए अप्रोच करता है, लेकिन जैनी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल तो लूंगी, लेकिन जगह और वक्त मैं तय करूंगी। कॉलिन, जो जैनी के इरादों से अनजान था, वो बड़ी ही आसानी से उसकी बातों में आ जाता है। यहाँ नीडी भी रॉकी को रात में अकेले मिलने का ऑफर करती है। रॉकी पूरी तैयारी के साथ नीडी से मिलने वहाँ आता है और वो दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं। यहाँ कॉलिन के पास एक मैसेज आता है, जिसमें जैनी उसे एक खंडर जैसे दिखने वाले घर में बुलाती है। पहले प्यार में गुम कॉलिन वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वह जगह इतनी सुनसान थी कि कॉलिन की वहाँ पहुँच कर लुप होने लगती है। जिस घर का एड्रेस उसे मिला था, उसका दरवाजा पहले ही बंद था, लेकिन कुछ तूफानी करने के इरादे से कॉलिन खिड़की के रास्ते से घर में दाखिल होता है, जहां जैनी ने उसके स्वागत में बहुत सी मोमबत्तियां जला रखी थी। जैनी को वहां देखकर कॉलिन मदहोश होने लगता है, लेकिन जब उसकी नजर जैनी की आंखों पर पड़ती है, तो वो देखता है कि उनका रंग बदल रहा था। ये देखकर कॉलिन बहुत घबरा जाता है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था, इसलिए वहां से भागना नामुमकिन था। जैनी उसका हाथ तोड़ देती है और उस पर सवार होकर उसका भी खेल खत्म कर देती है। यहां नीडी जब रॉकी के साथ थी, तब बीच रोमांस में उसे जैनी और जोनस नजर आते हैं और वो घबरा कर वहां से भागती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे रोड पर जैनी नजर आती है, जो एक बार फिर से शैतान बन चुकी थी, और वो नीडी को डराने लगती है। किसी तरह वहां से बचकर नीडी घर आती है और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन जब वो शांत होकर सोने जाती है, तो जैनी वहां पहले से उसके बेड पर थी। उसे वहां देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब जैनी उस पर कोई हमला नहीं करती, तब वो उससे पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। इसके बाद जैनी उसे क्लब वाली रात के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि निकोला उस रात अपने बैंड के साथ उसे कार में ले गया था, लेकिन इतने लोगों के बीच जैनी वहां अकेली थी और वो घबरा जाती है और वो निकोला से सवाल करती है कि वो उसे कहां ले जा रहा है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब ना देकर वो उसी वाटरफॉल के पास गाड़ी रोक देता है, जहां वो सारे बैंड मेंबर्स जैनी के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे वाटरफॉल के पास ले आते हैं। वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं और निकोला कहता है कि हमारी तरक्की के लिए हमें शैतान को खुश करना होगा, जिसके लिए हमें एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। ये सुनकर जैनी जोर जोर से रोने लगती है और मदद के लिए चीखती है, लेकिन उन बैंड मेंबर्स को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और निकोला उसके पेट में छोरा भोंक देता है और वो चाकू उसी शैतानी वाटरफॉल में फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। जैनी बताती है कि उनके वहां से जाने के बाद उसे खुद ही होश आया और भूख इतनी ज्यादा लगी कि कच्चा मांस ही खाने लगी। दरअसल हुआ ये था कि निकोला से एक गलती हुई थी, जैनी कुंवारी नहीं थी, इसलिए वो बलि अधूरी रह गई और इस हादसे के बाद से जैनी के अंदर शैतानी शक्तियां आ चुकी थी। अब ये साबित करने के लिए वो अपना हाथ काट कर दिखाती है और उसका घाव कुछ ही पल में भर जाता है। ये देखकर नीडी की रूह कांप उठती है और वो फौरन जैनी को वहां से जाने को कहती है। इतना कहते ही जैनी उसकी खिड़की से कूद कर वहां से चली जाती है। अगले ही दिन नीडी इस राज के बारे में पता लगाने लाइब्रेरी जाती है, जहां वो उस वाटरफॉल के शैतान के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है, क्योंकि अब शैतान ने जैनी को अपने वश में कर लिया था। वहां उसे पता चलता है कि जैनी को जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाते रहना होगा और उसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। नीडी को अब डर था कि कहीं उसका अगला शिकार रॉकी ना हो, इसलिए वो रॉकी से ब्रेकअप कर लेती है और उसे वो बुक दिखाकर जैनी की सारी सच्चाई बताती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता और उसे बहस करके वहां से चला जाता है। उसी रात उनके कॉलेज में एक फंक्शन था, जहां सभी डांस के लिए तैयार हो रहे थे। यहां नीडी भी तैयार होकर रॉकी का इंतजार कर रही थी। यहां हम रॉकी को देखते हैं,
जो पैदल ही कॉलेज के लिए निकल चुका था। तभी रास्ते में उसे जैनी मिलती है और वो उससे नीडी के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पता है, खैर जो हुआ अच्छा हुआ, कहाँ तुम कहाँ वो, तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। वो नीडी की बुराइयां करने लगती है। ये सुनकर रॉकी को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ जैनी उसे रिझाने में लग जाती है और वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो नीडी को भुलाकर मेरे साथ रिलेशन में रह सकते हो, और यह कहकर वो उसे किस करती है। यहाँ रॉकी फिसल जाता है और उसके साथ एक वीरान खंडर में आता है, मानो जैनी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। यहाँ नीडी ये नोटिस करती है कि पूरी पार्टी में जैनी और रॉकी नजर नहीं आ रहे, इसलिए उसे रॉकी की फिक्र होने लगती है और वो उसकी तलाश में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन घर आने पर उसकी मॉम कहती है कि रॉकी तो कब का यहाँ से निकल चुका है। यहाँ जैनी रॉकी को उस खंडर के अंदर ले आती है और उसके साथ इंटीमेट होने को ऑफर करती है, जिस पर रॉकी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि दिल ही दिल में वो नीडी से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर जैनी के अंदर का शैतान जाग उठता है और वो उस पर जानलेवा हमला कर देती है। यहाँ नीडी उनकी तलाश में खंडर के आसपास पहुंच जाती है और उसे रॉकी की चीखने की आवाज आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि शैतान ने रॉकी को बहुत जख्मी कर दिया है और उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद पड़ती है और किसी तरह से उसे बचाकर पानी से बाहर लाती है। जब जैनी नीडी पर हमला करने वाली होती है तो रॉकी उसके पेट पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरती और जख्मी होकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ रॉकी नीडी की बाहों में ही दम तोड़ देता है, जिससे नीडी ये फैसला करती है कि वो जैनी से रॉकी की मौत का बदला लेगी। और हम जैनी को देखते हैं जो अपने अगले शिकार की तैयारी में थी। तभी नीडी वहाँ पहुंचकर उस पर हमला करती है और लड़ाई के दौरान जैनी नीडी के कंधे पर काट लेती है, लेकिन नीडी एक धारदार हथियार से जैनी के सीधा दिल पर वार करती है, जिससे जैनी का काम तमाम हो जाता है। इसी दौरान जैनी की मॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं और नीडी को पागल खाने भेज दिया जाता है। कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि नीडी के कंधे पर जो जख्म था उसके जरिए ही वो शैतान नीडी को अपने वश में कर चुका था। और नीडी हवा में उड़कर जेल की विंडो तोड़कर वहां से निकल जाती है। वो सीधा उस वाटरफॉल के पास जाती है जहां उसे वो चाकू मिलता है जिससे निकोला ने जैनी पर वार किया था। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निकोला और उसके बैंड के सभी मेंबर्स एक एक करके मारे जाते हैं। और जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो हम देखते हैं कि नीडी ने ही जैनी का बदला लेने के लिए ये सब किया था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।